यस नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद लेसन नंबर सेवन आर्टिकल्स ऊपर डेट लिख लेंगे आज की ट्वेंटी एट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन आर्टिकल्स क्या होते हैं तीन ही आर्टिकल्स होते हैं ए एन और दो सिर्फ तीन आर्टिकल्स हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ए एन और दो अब ये किस किस वर्ड के साथ आते हैं ये अब हम देखेंगे आज द वर्ड्स अ एन एन दो आर कॉल्ड आर्टिकल्स ठीक है तो ये तीन वर्ड्स को हम आर्टिकल्स बोलते हैं वी यूज़ अ विद कॉमन नाउंस दैट आर सिंगुलर एंड बिगिन विद कॉन्सनेंट साउंड्स ठीक है एक तो वो कॉमन नाउंस होने चाहिए ठीक है और दूसरा क्या है कॉन्सनेंट कॉन्सनेंट होने चाहिए कॉन्सनेंट क्या होते हैं कॉन्सनेंट होते हैं सबसे पहले तो देखो वॉवल्स क्या होते हैं वॉवल्स होते हैं ए आई ओ एंड यू ठीक है ये पाँच होते हैं वॉबल्स इन पाँच अल्फाबेट्स को छोड़ के जो कि वॉबल्स हैं बाकी सारे क्या हैं कॉन्सनेंट्स ठीक है तो हम यहाँ पर मैंशन करेंगे रेस्ट ऑल एल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स ठीक है आई होप सबको क्लियर है वॉवल्स ये हैं ए आई यू यू जो रेस्ट बच्चे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या है कॉन्सोनेंट्स तो जो भी कॉन्सोनेंट्स के साथ बिगिन हो रहा है या उसकी साउंड आ रही है और वो कॉमन नाउन है उसके साथ हम लगाएंगे अ फॉर एग्जाम्पल अ बॉय अब ये कॉन्सोनेंट है बी है ये वॉवल नहीं है अ कारपेट ये भी वॉवल नहीं है सी ठीक है मैंगो में एम भी वॉवल नहीं है तो वो A के साथ ही तीनों साउंड करेंगे वी यूज़ एन विद कॉमन नाउंस दैट आर सिंगुलर ये भी कॉमन नाउंस के साथ यूज़ हो सकता है एन बिगिन विद वोवल साउंड डिफरेंस क्या है वोवल्स के साथ क्या यूज़ होगा एन ठीक है कॉन्सनेंट्स के साथ यूज़ हो रहा था और वोवल्स के साथ एन यूज़ होगा इवन वॉवल की साउंड भी हो तो अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एन औरज ये तो सीधा वॉवल्स के साथ स्टार्ट हो रहा है एलिफेंट ये भी वॉवल के साथ हो रहा है ईयर रिंग भी वॉवल के साथ हो रहा है अब कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो वॉवल के साथ स्टार्ट नहीं होते बट उनका साउंड वॉवल का है क्या जैसे कि यहाँ पर कॉमन डाल के एक और लिख लेंगे एन आर ठीक है जब आप बोलते हो कि एक घंटा हो गया है ठीक है दो घंटे हो गए हैं एन आर अब आप बोलोगे ये तो कॉन्सनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है बट इसकी साउंड कौन सी है ओ की आ रही है आर ठीक है आवर ठीक है ऐसी साउंड आ रही है तो हमने साउंड भी देखनी है ठीक है ये चाहे कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है बट इसकी साउंड क्या है ओ की नेक्स्ट देखेंगे वी यूज़ दो अब दो कहाँ पे यूज़ होगा विद द प्रॉपर नाउंस ठीक है ये हमेशा बात याद रखनी है कि द यूज़ होता है प्रॉपर नाउंस के साथ जो कि एक सिंगल चीज़ ही है उसके जैसी कोई और चीज़ नहीं है दैट आर ओनली ऑफ ओनली वन ऑफ देयर काइंड वो एक ही चीज़ है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल द स्वेज कनाल स्वेज कैनाल और कोई नहीं है हिमालय और कोई नहीं है ठीक है नाइल भी जो रिवर है वो और कोई भी नहीं है तो इनके साथ यूज़ होगा दो आई होप सबको क्लियर है अ एन और दो कहाँ कहाँ पे यूज होंगे लेट्स डू द एक्सरसाइजेस फिल इन द ब्लैंक्स विद अ एन और दो आप देखो यहाँ पे ऑरेंज ओ के साथ स्टार्ट हो रहा है तो सीधा ही एन लग जाएगा कंप्यूटर अब आप बोलोगे ये कॉन्सनेंट है ठीक है इसके साथ अ लगना चाहिए बट कंप्यूटर के अलावा कोई और चीज़ कभी नहीं इन्वेंट हुई कंप्यूटर अपनी ही टाइप का एक चीज़ है ठीक है जैसे कि हमने पढ़ा था दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड वो खुद भी एक में आ, एक ही चीज़ है कंप्यूटर के और कोई टाइप नहीं है ठीक है तो उसके साथ दो लगेगा नेक्स्ट काइट के से स्टार्ट हो रहा है तो ओ लग जाएगा हिमालयस भी एक ही चीज़ है तो दो लगेगा गैन्जेस भी एक ही चीज़ है रिवर है तो दो लगेगा आइसक्रीम आई के साथ स्टार्ट हो रहा है तो एन लग जाएगा ठीक है ये साउंड भी देखना है और स्टार्टिंग भी देखनी बिगनिंग भी देखनी है नेक्स्ट देखो लुक एट द पिक्चर्स राइट द वर्ड्स विच टेक बिफोर देम एंड विच टेक एन ओके अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे दो कॉलम्स हैं अब ये यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं हमने कॉलम्स में लिखना है जिनके साथ ओ लग रहा है और जिनके साथ एन लग रहा है स्टार्ट ओ चर्च ओ बेबी पिछले यहाँ पे है ठीक है ओ बेबी देन अ वाल रैट अ चिकन ठीक है ये सारे देखो कॉन्सनेंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं एंड वी विल राइट अ बिफोर दिस नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला साउंड भी देखनी है और स्टार्टिंग uh, बिगनिंग भी देखनी है यू से एन एप्पल एन ईगल एन ऑरेंज एंड आयरन ठीक है आयरन क्या होती है प्रेस ठीक है ये देखो आप देख सकते हो प्रेस ठीक है तो कॉन्नेंट्स के साथ ओ के साथ एन नेक्स्ट पेज पे लेट्स सी, में मैच द पिक्चर्स टू ओ एन और दो ठीक है अब यहाँ पे पिक्चर्स के साथ हम मैचिंग नहीं करेंगे ठीक है वो बहुत हॉच पॉच हो जाएगा uh, सीधा देखेंगे एरोप्लेन के साथ आएगा एन एन एरोप्लेन दो ताजमहल ताजमहल और कोई कोई भी नहीं है मून भी एक ही है दो फैन कॉमन है uh, और uh, उसके साथ कॉन्सनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है अ ओ फेदर और एन एलिफेंट ठीक है आई होप सबको क्लियर है नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए ए एन और दो यहाँ पे एक किया हुआ है अब देखो जी कॉन्सनेंट्स और वोवर्स देखेंगे या फिर प्रॉपर नाउ्स पहला वर्ड मैन एम जो है वो कॉन्सनेंट है तो ओ लगेगा डब्ल्यू कॉन्सनेंट है अ लगेगा नेक्स्ट काओ तो ये सी कॉन्सनेंट है ओ लगेगा ओ वोबल है एन लगेगा एन ऑक्स एन एप्पल एंड ओ मैंगो ओ हैन एंड एन एग ओ बनाना एंड एन ऑरेंज दो सन एंड दो मून ठीक है सन और मून और कोई भी नहीं है एक सन है एक ही मून है ओ पेंसिल एंड एन इरेजर आई होप सबको ये भी क्लियर है देन नेक्स्ट पेज पे हाँ जी यहाँ पे दो हवा महल ठीक है एक ही है ये और रेड फोर्ट भी एक ही है दो रेड फोर्ट देन बाइबल ये क्रिश्चियंस की होली बुक है ठीक है और दो महाभारत ये हमारी हिंदूस की है नेक्स्ट दो गंगा एक ही गंगा है नदी और ये भी एक नदी है दो हुगली ठीक है आई होप सबको क्लियर है नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब इसमें गलत आर्टिकल्स दिए गए हमने करेक्ट लिखने हैं आई हैव एप्पल इन माई स्नैक बॉक्स क्या आएगा एन एप्पल एन हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो हिमालयाज एक ही हैं दो हिमालज माई फादर गॉड मी ओ टेबल एंड ओ चेयर ठीक है इन दोनों को कट करेंगे एन इंसेक्ट बिट माई लेग क्योंकि ये वॉवल है वी विल रीच इन एन आर ये देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट इसका साउंड क्या है ओ का एन आर ठीक है ओ का साउंड आ रहा है ओ एंड यू का साउंड आता है ओके तो यहाँ पे एन आएगा नेक्स्ट है राइट द क्लूज राइट द क्लूज एंड राइट द आंसर्स यूज द एन और दूज टू हिट अ बॉल क्या चीज यूज होती है बैट अ बैट आएगा येलो इन कलर यू पील इट टू ईट टू ईट इट क्या बनाना अ बनाना ठीक है क्योंकि ये कॉन्सनेंट है द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स कौन सी है द कुरान क्योंकि कुरान एक ही है स्विम्स इन वॉटर एंड हैज़ फिंस कौन स्विम करती है द फिश ठीक है आई होप सबको क्लियर है अ बिग बर्ड दैट के नॉट फ्लाई कौन सा बर्ड जो उड़ नहीं सकता वो एक ही है और वैसे भी ये वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो ये वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन ऑस्ट्रिच द प्लेस वेयर वी सी स्टार्स दो स्काई स्काई एक ही है तो दो स्काई आ जाएगा ठीक है तो आपको पता लग गया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूज़ द आर्टिकल दो ठीक है अब देखो आई एट द बनाना ही गेव मी विच बनाना द बनाना ठीक है अब हमसे पूछा कौन सा बनाना द बनाना Manav wrote in the notebook the teacher gave him. Which notebook? The notebook. Okay. Pranav smiled at the man who was waving. Which man? The man. Okay. Next. Banu hit the mosquito on her leg. Which mosquito? The mosquito. You gave me the wrong bag. Which bag? The wrong bag. They laughed at the joke he told them. Consa joke? The joke. ठीक है आई होप सबको क्लियर है नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अ एन और दो ही इज वेयरिंग अ शर्ट माय फादर इज एन इंजीनियर ठीक है वॉवेल दिस इज अ फोटो आई टूक ऑन माय बर्थडे द अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया अरेबियन सी एक ही है प्रिया हैज़ अ कार अब आप कहोगे कार तो कॉमन नाउन है ठीक है बट इसके साथ द क्यों लग रहा है द कार इज ब्लैक इन कलर यानी कि जो कार प्रिया के पास है ठीक है अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में भी बात कर रहे हैं तब तो भी हमें हम द लगाते हैं ठीक है ठीके? अब प्रिया की कार की बात हो रही है प्रिया हैज़ अ कार और वो वाली कार जो प्रिया के पास है वो ब्लैक है ठीक है तो द कार कमला इज अ तो डॉक्टर ग्रैंडमा लाइक्स टू रीड द रामायण रामायण एक ही है विनय थैंक द मैन हु हेल्प हिम अब देखो जो एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात हो रही है जिसने उसकी हेल्प की देयर इज अ डॉग इन द गार्डन शीला कैरेड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग ठीक है आई होप सबको ये क्लियर है तो यू हैव टू डू दिस वर्क वेरी नीटली इन योर बुक्स ठीक है अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द जूम क्लास ठीक है थैंक यू